पेश है स्काई वैली टीएमसी प्रोजेक्ट बाय दिनार डेवलपर महारेरा अप्रूव। इसमें 1 बीएचके 2 बीएचके और जोड़ी फ्लैट का भी कॉन्सेप्ट है जो 1 एकड़ 7 स्टोरी 6 टावर में बना है विच बिग कारपेट एरिया वो भी मार्केट के करीब। एमिनिटीज में 14,000 स्क्वायर फीट का गार्डन, क्लब हाउस, जिम, जॉगर्स पार्क, पावर योगा, कम्युनिटी हॉल, इंडोर गेम्स, 500 मीटर के रेडियस पर स्कूल और हॉस्पिटल, साथ ही 24 घंटे सिक्योरिटी, पावर लिफ्ट के साथ स्टील पार्किंग, इजी बैंक लोन अवेलेबल। स्पेशल ऑफर 3.5 लाख भरिए और 3 साल तक नो EMI। स्काई वैली आपका नया घर, आपका नया सपना। कोई मुझे लाया नहीं है रामोरी। राबड़ी में मैंने लोगों को लाया है। एक आदमी वफादार होना चाहिए और वफादार होना जरूरी है। अभी लड़कियों को जो लगता है वो लिखते हैं बेचारे। मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। वफादारों के लिए इफ्तारी, इस तरह का बैनर लगाकर ठाणे के राबोड़ी इलाके में इफ्तारी की दावत दी गई थी। बताया जा रहा है कि मुअज्जम खान, जो विधायक जितेंद्र वाट के काफ़ी करीबी हैं और वफादारों के इफ्तारी का इंतज़ाम इन्होंने ही किया था। वफादारों की इफ्तारी में विधायक जितेंद्र वाट और राजन बिचारे अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पहुँचे थे। वैसे तो रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, ऐसे में सामाजिक संस्थाओं से लेकर राजनीतिक पार्टियां जो दावत इफ्तार रख रही हैं, मगर वफादारों के इफ्तारी ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर राबोड़ी इलाके में वो कौन गद्दार है कि जिसके वजह से वफादारों की इफ्तारी का दावत बोर्ड बैनर लगा कर रखना पड़ा। यहाँ पर बैनर लगाया गया था जिस पर साफ लिखा हुआ था कि वफादारों की इफ्तारी, इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि रमज़ान एक पाक महीना है और लोग दुश्मनों को भी इस महीने में गले लगा लेते हैं। रमज़ान के महीने में लोग दुश्मनों से गिले शिकवे भूलकर जहां एक साथ बैठकर इफ्तारी करते हैं, तो वहीं इसी रमज़ान के महीने में राजनीति के तहत किस तरह से वफादारों की इफ्तारी का बैनर लगाकर लोगों को इफ्तारी कराया जा रहा है। वहीं जितेंद्र भाट के समर्थकों ने जितेंद्र भाट के लिए जमकर नारेबाजी भी की। वहीं जितेंद्र भाट ने यह भी कहा कि मुझे राबोड़ी में किसी ने नहीं लाया, राबोड़ी में मैंने लोगों को लाया है। क्या कहेंगे मौसम भाई ने आज इफ्तारी का दावत यहाँ पे रखी थी, आप वहाँ पे आए क्या कहेंगे? अच्छी दावत रखी थी, मौसम हमारा अच्छा कार्यकर्ता है, वफादार कार्यकर्ता है और मुझे राबोड़ी में आके कम से कम कुछ नहीं तो कुछ 45 साल होने को आए हैं। मेरा ये आवाज़ रेडियो वाला जो यहाँ का सबसे बड़ा रेडियो वाला है वो मेरा बचपन का दोस्त था, मेरे साथ क्लास में बैठता था और भी कई दोस्त थे उनके नाम मैं भूल गया हूँ। उनके घर में आता था मैं बिरयानी खाने के लिए। कोई मुझे लाया नहीं है राबोड़ी में, राबोड़ी में मैंने लोगों को लाया है, मुझे राबोड़ी में कोई नहीं लाया। स्लोगन में लिखा गया वफादारी की इफ्तारी, नहीं वो तो इसने लिखा है बेचारे ने। अभी लड़कियों को जो लगता है वो लिखते हैं बेचारे, उनके मन की बात लिखते हैं ना। एक आदमी वफादार होना चाहिए और वफादार होना जरूरी है, इसलिए वो जो मैसेज दिया है बराबर है और सभी वफादार यहाँ पे बैठे थे और रमजान की शुभेच्छा देने के लिए मैं आया था। चलो